जानते हो ना समुद्र कितना गहरा और रहस्यों से भरा है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डीप सी माइनिंग की। ये डीप सी माइनिंग क्या होती है? IUCN की रिपोर्ट बताती है कि समुद्र के नीचे से खनिज निकालना ही डीप सी माइनिंग है। और ये खनिज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हमारे स्मार्टफोन्स, बैटरीज, यहाँ तक कि सोलर पैनल्स में भी। लेकिन दोस्तों, इसके बहुत बुरे असर भी होते हैं। चलो जानते हैं कैसे। डीप सी माइनिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब समुद्र में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को बहुत खतरा है। समुद्र की गहराई में रहने वाले ये जीव हजारों सालों से अपना जीवन जी रहे हैं। जरा सोचो, बड़ी बड़ी मशीनें अगर समुद्र की तली खोदने लगें, तो इन छोटे छोटे जीवों का क्या होगा? IUCN के मुताबिक डीप सी माइनिंग से समुद्री भोजन की पूरी चेन, यानी पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, डीप सी माइनिंग से बहुत ज्यादा गंदगी और मलबा निकलता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। और ये प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। जमीन पर होने वाली माइनिंग से भी डीप सी माइनिंग का असर ज्यादा बुरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। IUCN कहता है कि हमें इस बारे में और रिसर्च और निगरानी की सख्त जरूरत है। जब तक हम पक्के तौर पर ये ना जान लें कि डीप सी माइनिंग सुरक्षित है, तब तक हमें इसे रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है, कई देशों ने डीप सी माइनिंग पर पहले से ही रोक लगा दी है। हमें भी इसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। समुद्र की गहराई में ऐसे अनगिनत जीव हैं, जिनके बारे में हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। इस प्राकृतिक खजाने को बचाने की पूरी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डीप सी माइनिंग के बुरे असरों के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है आप भी इस मुद्दे को समझेंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।